95, 98 और 100 ये मेरे मार्क्स थे क्लास 10 सोशल साइंस में, हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में। अगर मैं ये स्कोर कर सकती हूँ यार, तुम भी कर सकते हो। और मैं पूरा एक स्टेप वाइज बताऊंगी कि भाई एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ ली दीदी, क्वेश्चन आंसर नहीं समझ आते कि क्वेश्चन आंसर्स को कैसे पढ़ें। अब जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स अलग बनाए, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग नोटबुक बनाए। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिस वजह से आपका सोशल साइंस में स्कोर नहीं आ पाता। तो मैं जो तुम्हें आज चीज़ें बताऊंगी वो काफ़ी यूनिक हैं और काफी आपको हेल्प करने वाली है, वो तो इस चीज में डेफिनेटली गारंटी है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज क्या करनी है किसी भी सोशल साइंस के चैप्टर को पढ़ने के लिए, वो क्या करना है ना, बहुत लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप वन शॉट वीडियोस देख लो। कोई कहते हैं कि आप स्कूल में समझ लो, ट्यूशन में समझ लो, या एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं आपको रिकमेंड क्या करती हूँ, ये सारे ऑप्शन ठीक है। मैंने भी अपने चैनल पे एनिमेटेड सोशल साइंस के वीडियोस डाले हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। बट फिर भी मैं आपको उससे एक अच्छी चीज रिकमेंड कर रही हूँ, वो है ऑडियो, यानी कि आप ऑडियो सुनो। तो ऐसे ही ऑडियोज मैंने ढूंढने की कोशिश करी, फाइनली मुझे स्पॉटिफाई पे मिली, यानी कि उसमें सारे के सारे चैप्टर को सोशल साइंस के ऑडियो के फॉर्मेट में सेव किया हुआ है, जिसमें हर एक टॉपिक को ऑडियो के फॉर्म में आपको बताया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है ना, आपको उन्हीं ऑडियोज को सुनना है। ऑडियो में आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो में बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑडियो में आपको कान पे लगा दो, आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हो, जितने बार है उतनी बार ऑडियो को सुन सकते हो, सारी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यार आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट में ऑडियो सुनने हैं। अब जब ये ऑडियो चला रहे हो ना, साथ साथ में तुम्हें क्या करना है, ऑडियो सुनते गए तुम्हें वो चैप्टर के आगे समझ आ गया। जिस टाइम ऑडियो चल रही है, तुम एक पेपर लेके बैठोगे सामने, ये ऑडियो चलते चलते तुमने ऐसे पेपर पे लिखते जाना है, जो जो वो बोलते जा रहे हैं फटाफट से लिखते जाओ, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, सारा कुछ इस वाले पेज पे एक पेज निकाल करके चैप्टर की हेडिंग डाल के ऑडियो सुनते सुनते सब कुछ इस पेज पे नोट डाउन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ फटाफट। अब ये नोट्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जिस लैंग्वेज में बनाना है बनाओ, ये बेसिकली ऐसे नोट्स हैं जिससे तुम खुद को समझा सको कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ऑडियो सुना तुम इस वाले नोट्स में, तुम फटाफट से ये चीज़ों को लिखते गए, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। ऑडियो में चल रहा पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा का सारा डिटेल तुमने एक नोटबुक में लिख दिया, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब ऑडियो सुन ली तुम्हें, भाई अब पता है कि चैप्टर में है क्या सोशल साइंस के, तुम्हें पता है कि भाई इस चैप्टर में ये बातें करी गई हैं। अब तुम एक एक करके एनसीईआरटी का पेज पढ़ोगे। पावर शेयरिंग चैप्टर का पहला पेज रीड करा। अब अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम ऑडियो सुन रहे थे और ये जो तुमने पहला वाला पेज पढ़ा है, इससे तुम्हें लगता है कुछ चीज मिसिंग है, तो फटाफट से उसी नोट्स में कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड कर दो। फिर एनसीईआरटी के दूसरे पेज में जाओ, जो जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी कवर्ड है वो ठीक है। अगर फिर तुम्हें लगता है कि यार इस सेकंड पेज में ना एक ऐसी चीज है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी, जब मैं ऑडियो सुन रहा था तो ये वाली चीज मेरे से मिस हो गई या ये चीज उस ऑडियो में नहीं थी, तो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूं। तो आपको बेसिकली पहले ऑडियो सुन के फिर सारी एनसीईआरटी, जब आप एक एक पेज जाओगे, अगर एक एक चैप्टर के 7 पेजेस है एनसीईआरटी में, तो 7 के 7 पेजेस को रीड करने के बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप इस जगह पे लिखते जाओ। आपने सब कुछ यहाँ पे लिखते जाने, कोशिश करो जितनी टेबल्स डाल सको, जितने माइंड मैप्स डाल सको, सब कुछ यहाँ पे उठा के लिख दिया। पहले ऑडियो सुनी, फिर एनसीईआरटी से किया, जो जो सुन लिया यहाँ पे रख दिया। ये हुआ आपका सबसे बेहतर तरीका। अब ना ये जो नोटबुक बनी है तुम्हारी, ये स्टेप को और ये स्टेप को फॉलो करके, अब आज के बाद से ना तो तुम्हें कोई ऑडियो सुननी है, ना तो तुम्हें कोई वीडियो देखनी है, और ना ही तुम्हें एनसीईआरटी बार बार खोलनी है। तुमने अपने लिए ये दो स्टेप ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिए। अब तुम बार बार ऑडियो जाके नहीं सुनोगे, अब रिविजन करना है, रिविजन के लिए थोड़ी दोबारा से पहले ऑडियो सुनोगे, फिर एनसीईआरटी लगाओगे, फिर नोट्स पढ़ोगे। अब तुमने बेटा ये दो स्टेप कर दिए हैं, तुमने शिद्दत के साथ इन दोनों में से ऑडियो को, ऑडियो से पूरा चैप्टर समझ लिया, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स लिख ली, ये जो नोट्स हैं अब ये है तुम्हारा वर्जन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब तुम बोर्ड एग्जाम्स आने तक इसी नोट्स को पकड़ के पढ़ाई करोगे। अब इस बुकलेट में जितना हो सकता है बार बार रिवीजन यहीं से करना है, ये जो तुमने नोट्स बनाए बार बार यही पढ़ना है, चीजों को यहीं से पढ़ना है, जितना हो सकता है बच्चों को पढ़ाना है, तुम्हें ये वर्जन याद हो गया। ऐसे ही तुम्हें हर एक चैप्टर के साथ करना है, पहले ऑडियो पढ़ी, फिर एनसीईआरटी से उसके नोट्स करे, ऑडियो बनाते बनाते नोट्स, एनसीईआरटी से पढ़ के नोट्स, और तीसरा बच्चों को पढ़ा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है क्वेश्चन आंसर्स का, कि दीदी जब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, तो हम क्वेश्चन आंसर्स को कैसे सॉल्व करें, हमें क्वेश्चन आंसर्स तो बनते ही नहीं है। अब हमने कोई मान लो नोट्स बनाया, अब उस नोट्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। अब मान लो दीदी हमने नोट्स बनाए, अब नोट्स में तो हमने नॉर्मल बनाया, अब क्वेश्चन आंसर्स में तो अलग ही लैंग्वेज चल रही है। तो मैं बता दूं, सोशल साइंस में लैंग्वेज के कोई मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्या करना है, बहुत बार मैंने आपको रिकमेंडेशंस दे रखी हैं एड्यू कार्ड के वन शॉट की।
तो यार आप ये एड्यू कार्ड के वन शॉट्स ले सकते हो, इसमें सब कुछ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट जो भी पेपर्स आ सकते हैं, जिस तरीके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, PYQs, हर कुछ इन वन शॉट बुक्स में इंक्लूडेड है। मैंने आपको ये रिकमेंड कर रखी है ऑलरेडी, और आज इस पे 40% अप टू 40% ऑफ भी है, कॉम्बोज में भी और नॉर्मल सिंगल बुक्स में भी। तो यार आप जाकर के ये बुक्स ले सकते हो, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तो यार ये वन शॉट आप लिंक से ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगी। अब क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने, मान लो तुम्हारे पास ना यार एड्यू कार्ड का ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक है सोशल साइंस का, अब तुम क्या करो, तुम्हारे पास नोट्स हैं, अब अपने नोट्स को रखो एक तरफ और अपने बुक को एक तरफ। अब क्या करना है, नॉर्मल बुक पढ़ते जाओ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग, आपने ऑलरेडी नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, टिक मार दो आगे बढ़ जाओ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अगर है टिक करो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ बस। एड्यू कार्ड किसी भी रेफरेंस बुक में जो भी है तुम्हारे पास कैसे कैसे लिखा हुआ है, आगे आगे बढ़ते जाओ। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता, ना तुमने तुम्हारे नोट्स में इंक्लूड किया है, अब उस क्वेश्चन को पढ़ना भी अच्छे से है, और एक काम करना है कि जो तुम्हारा नोट्स है ना, नोट्स में कहीं पे जा करके पीछे एक जगह पे तुम्हें मेंशन कर देना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुमने अपने नोट्स में ना देखा, ना तुमने ऑडियोज में तुम्हें सुनने को मिला, ना एनसीईआरटी में मिला, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो तुम सिर्फ अपने आप से, तुम्हें ये क्वेश्चन इस बुक में मिला और ये आ सकता है, तो उसको तुम एक जगह पे उस क्वेश्चन बना के लिख लो। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वन पेज शॉर्ट नोट्स या जो भी है, आप सारे बच्चे डिजाइन करो अपने लेवल पे, जिस बच्चे से जो बनता है मेरे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह जहां मर्जी शेयर करो, वो सारे वर्जन्स मैं बच्चों को उसी टाइम पे शेयर कर रही हूँ। चौथी चीज ये है कि हम लोग ना टेलीग्राम पे लाइव सेशंस करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम आधे घंटे के लिए लाइव आएंगे, कोई भी एक बच्चा है जो कोई ना कोई सोशल का चैप्टर पढ़ा के चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज, तो आधे घंटे तक वो लाइव स्ट्रीम खुलती है, बच्चा तुम्हारे ही साथ का कोई भी स्टूडेंट आके वो चैप्टर पढ़ा देता है, इससे उसका भी रिविजन हो जाता है और सारे बच्चों को समझ भी आ जाता है। ऐसा हम काफी ज्यादा करते रहते हैं, तो आप लोग उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। अब बात करते हैं गिव अवे रिजल्ट्स की। तो यार जो गिव अवे रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी आ गए हैं, जिन भी स्टूडेंट्स के नेम हैं उन्हें ऑलरेडी टीम ने रीच आउट कर लिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई दो लोगों के सिमिलर नेम है तो वो कंफ्यूज ना हो, और जिन भी बच्चों के नेम्स हैं उनको बुक्स आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएंगी। और नेक्स्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो भी उन स्टूडेंट्स के नेम है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, और इन बच्चों को हमने ऑलरेडी अपनी तरफ से रीच आउट कर लिया है। तो यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, जो अगला गिव अवे है वो बहुत जल्दी आ रहा है, ताकि आप मिस आउट ना करो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।